मेरे को ये बहुत दिल से चाहिए था, लाइक दिस ट्रिप, दिस सोलो ट्रिप. दिस इज इट, ये मेरे को हमेशा से करना था. वहां पर किन्नर कैलाश. आई कांट टेल यू मैं कितनी खुश हूं. सुबह के बज रहे हैं 6:15, टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले रिवाइंड, तो हम सुबह सुबह आए हैं पीयू और रेकोंग पीयू जो है किन्नौर कल्पा की तरफ. टुडे वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट विद द व्यू. कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन. सबसे पहले ना, नॉट गोइंग टू लाई ओवर हियर, झूठ नहीं बोल रही कसम से, सबसे पहले जो मेरा रिएक्शन था, आई हैड टीयर्स इन माय आईज. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने घर पे फोन किया मेरे मम्मी डैडी को एंड वी वर एंजॉयिंग द व्यू टुगेदर. द ओनर्स ऑफ दिस प्लेस, हेमराज अंकल एंड उनकी मिसेस, दे आर लाइक द बेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट. In -5 degrees Celsius, they came to pick me up from the bus stop. Also, unke rules the of checking in at 12, and they managed to let me in at 5 in the morning, 5:30. I mean, kitne pyare log ho sakte hain, aur kitni khush hoon. I'm very grateful for the people, for this time, for everything at the moment. किन्नर कैलाश, और मैं किन्नर कैलाश देख के इतनी खुश हुई हूँ. बाकी की चीजें देख कर पता नहीं क्या होने वाला है, बट आई एम टेकिंग यू टू माई टेरिस एट द होम स्टे एंड इट्स मैजिकल. लुक एट इट. This is it, man. This is it. This is life. What else is life? This is life. मतलब मैं गर्म पानी कर रही हूँ, थोड़ा नहाऊंगी क्योंकि मैं I think Wednesday से नहाई नहीं हूँ. And today is Saturday. ठंडी इतनी है भाई, क्या ही नहाना है इस ठंड में. Happy Siley in the mountains. Like time है, थोड़ा time है, मैं काम करूँगी और फिर देखते हैं 2 बजे हम निकलते हैं जस्ट टू सोक इन द विलेज एटमोसफियर. रेकोंग प्यू इट इज. दिस इज साइली साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट. मिलती हूँ आपको थोड़े देर में. कांट आई. दोपहर के 4 बज रहे और बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम अभी आग जला रहे हैं. और ये आग जली हुई है यहाँ पर, दादी बैठी है यहाँ पर और हम कर रहे हैं काम ऑफिस का. और अभी थोड़ी देर में जाएंगे बाहर, देखते अब कैसे होता है. पहले काम ख़त्म होना चाहिए ऑफिस का, पर बहुत ठंड लग रही है. आग जला के बेहतर लग रहा है आग के सामने बैठ के. ऊपर वहाँ पर थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही है और बादल नीचे आ गए. आंटी ला रही है लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए. अच्छा. और आंटी ने अभी गरम गरम दिया है मेरे को राजमा चावल, चाय बन रही है. काम ख़त्म हो गया आज के दिन का, हम चूल्हे के पास बैठकर खाना खाएंगे. पराठा है बढ़िया सा और राजमा चावल, ये देखिए. हर जाने का प्लान थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा. यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो गई है.
and I'm experiencing the first snowfall of my life. With some chai. ये तो बहुत प्यारी है। आएगी अंदर मार मार। थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है। सनसेट तो देखने से रहा, यहाँ पर देखिए पूरे बादल आ गए, वरना यहीं पर सनसेट होना था शाम में। दिस इज द वेस्ट साइड, पर अब नहीं देखने मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। अभी? हाँ। रात हो जाएगा आने को? नहीं, यहीं टॉवर के पास वाला। अच्छा, अरे बुद्ध मंदिर। बुद्ध मंदिर। इतने प्यारे लोग हैं, ऐसे लगता है मैं हमेशा से यहीं रह रही हूँ। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आ जा रही हूँ। हाथ फ्रीज हो रहा है पूरे। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। हम तारे दो तारे अधूरे सो तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तू तारे तुरे सोहा तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तू तारे तुरे सोहा ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। साढ़े छः हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि रात हो गई है, एकदम अंधेरा हो गया है। मैं आग सेकते हुए यहाँ पर बैठी हूँ। मैं हूँ, दादी है और अंकल जी तैयारी कर रहे हैं शाम के खाने की। ओम तारे तू तारे तुरे। जाने से पहले आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माँ भगवती होम स्टे। इन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा मेरा। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी तो दिखाई नहीं, तो मैं दिखा देती हूँ। आप इस रोड से चलकर आएंगे ना, तो इस गेट से अंदर आएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये इनके रूम्स हैं, मैंने ऑक्यूपाई किया था। गुड एंड सफिशिएंट इनफ। अगर आप सिंगल आ रहे हो, अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो काफ़ी बड़े से रूम हैं और स्पेशियस है। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है और गीज़र है यहाँ पर। अगेन गुड। माँ भगवती होम स्टे ये रिकांगपियो से 2 किलोमीटर पर है। अच्छा। हाँ जी, भगवती मोड़ में। तो आप यहाँ पर ज़रूर स्टे करना। मैं अंकल का नंबर, यहाँ का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी बहुत ठंड लग रही है, अंकल मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टॉप, तो हम चल रहे हैं।